ए वाइट कलर दा यार। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक? नहीं, ये दरवाज़ा खोल दो बस। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? खुशहाल साहब, मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। क्या नई ताजियां हैं? कैसी चल रही हैं आपकी जिंदगियां और कैसे मामला चल रहे हैं? अच्छा, आजकल मैं ऐसे और पेसी के पेपर शेयर कर रहा हूं, तो जो लोग तो 2021 में अपेयर हो रहे हैं उनको तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने से मुराद ये है कि जब आपके पास पूरा 3 घंटे का टाइम हो उस वक्त उसके ऊपर लिखें, और सिर्फ 3 घंटे में लिखें जितना भी आप लिख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप कितना लिख सकते हैं 3 घंटे में। टाइम प्लानिंग का आपको आइडिया हो जाए। और जिन लोगों ने 2022 में अपेयर होना है वो वैसे ही अटेम्प्ट करें, एक एक बीच में से चीज अटेम्प्ट कर लें, प्रेसी अटेम्प्ट कर लें, आउटलाइन बना लें, कुछ भी इस तरह का काम कर लें, लेकिन इन चीज़ों को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। बड़ी मेहनत से ये क्वेश्चन पेपर बनते हैं, और अगर आप उससे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं वो आपको उठाना चाहिए। चाय जिसने पीनी थी मेरे से लाहौर राबता करना था ना, बिस्मिल्लाह करा, मैं चाय पिलाने में कोई मसला नहीं है, मैं हर वीकेंड पे जाता हूँ, कोई पीना चाहे तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। आप सब लोगों के पास मेरा नंबर तो है ही है। चाय आपको चाय कवाली पे पिलाई जाएगी, क्योंकि मैं इस दफा पी के आया हूँ और बड़े मजे की थी। अदब अनाया या अदाब अनाया जी, ये लेक्चर रहेगा पेज पर ही। आप लोग जितने इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है, कुछ लोगों ने शेयर की है स्ट्रीम, जो लोग रह गए वो भी स्ट्रीम शेयर कर दें, और अपने जो दोस्त हैं आपके जो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं या पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ऐसे इन्वॉल्व होता है, आप उनको भी टैग कर सकते हैं। आसिया बच्चे, मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं? चलें, 4-5 मिनट हो गए तो अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट राइटिंग अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है? कंक्लूडिंग पैराग्राफ और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मुश्किल हो सकते हैं लिखने में, आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, आप इश्यूज उनमें फेस कर सकते हैं। शुरू शुरू में ये नहीं समझ आता लिखना है नहीं लिखना, अगर लिखना है तो कैसे लिखना है, लेकिन अगर आप इनके ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं, इनको पढ़ते हैं प्रॉपरली, इनके ऊपर स्ट्रगल करते हैं, तो वो स्ट्रगल फ्रूटफुल होती है, आपको वो करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते तो आपके लिए पेपर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। क्या चाहिए? अच्छा, आपके लिए पेपर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। बंदे को लगता है यही है कि ये सोखा ही काम होता है, बंदा कर लेता है। अभी मैंने जब पेपर लिए ना स्टूडेंट्स के लाइव वहां पे बैठ के, तो देवर कंफ्यूज, वो कह रहे थे सर हमने कॉम्प्रिहेंशन समझा था कि सबसे इजी काम होता है,
वो जो जस्ट एक पैराग्राफ पढ़ना है, एंड पे क्वेश्चंस दिए हुए, उन क्वेश्चंस का जस्ट जवाब देना ना, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, तो वो इजीली हो सकता है। लेकिन उनको वो जब एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस में से वो गो थ्रू हुए, फिर पता चला कि नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट दैट इजी। जितनी एफर्ट करेंगे, जितना स्टडी करेंगे, जितना टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपका इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन, ये जो रीडर होता है, जो पेपर चेकर होता है, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इनका। वो आपके बारे में, आपके राइटअप के बारे में, आपके कंटेंट के बारे में, आपके एक्सप्रेशन के बारे में क्या सोचते हैं, वो यहीं से डिफाइन करेंगे। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि आउटलाइन और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, अगर ये रेलिवेंट हैं, टू द पॉइंट हैं, एज पर डिमांड्स हैं, उसमें कोई एरर्स नहीं है, फ्लॉलेस इंग्लिश लिखी हुई है, तो आप 40 नंबर अपने पक्के समझ लीजिए। उसके बाद जो आपकी परफॉर्मेंस है बॉडी ऑफ द एसे में और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, वो 40 प्लस जाने में आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप कितना 40 40 से आगे कितना जाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं में आप कमजोर हैं, इन्हीं में आपने परफॉर्म नहीं प्रॉपर किया, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको फिर वो पास करेगा। फिर चाहे 39 मार्क्स हो, चाहे 0 मार्क्स हो, डजंट मैटर, दोनों एक बराबर है। फिर ये सारे पूछने लग पड़ते हैं, इज इट जस्टिफाइड, क्या 0 नंबर आ सकते हैं, क्या देने चाहिए, भाई व्हाई डज इट मैटर नाउ, उसका तो मसला ही खत्म हो गया। कंक्लूजन इज बेसिकली योर अपॉर्चुनिटी टू मेक अ गुड फाइनल इंप्रेशन ऑन द रीडर, ऑन द पेपर चेकर। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि कंक्लूजन आपके ऐसे का रैप अप होता है। कंक्लूजन आपके ऐसे का, फर्ज करें यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग टू समवन, ठीक है, ये आप चीज किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप इसका भी प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन आपकी कोशिश ये होती है कि ये चीज चाहे सस्ती हो, चाहे महंगी हो, जैसी भी है, आप इसको खूबसूरत सा रैप अप करके दे। आप सिंप्लिसिटी और ब्यूटी और मतलब सिंपल वर्ड्स में आप उसे प्रेजेंटेबल बनाते हो कि देखने में वो खूबसूरत लगे। आपका जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, दैट इज बेसिकली रैपर ऑफ योर एसे। आपने पूरा एसे लिख लिया है, उसके ऊपर अब आप रैपर चढ़ा रहे हो। कंक्लूजन की दूसरी जो रेक्विजिट है, कंक्लूजन का दूसरा जो टारगेट है, वो ये है कि आप पेपर चेकर को ये बताने जा रहे होते हो। कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखने का मकसद ये है कि आप पेपर चेकर को ये बताओ कि जो टारगेट, जो थीम, जो एसेंस या थीसिस पॉलिसी आप लेकर चले थे, उसकी अकम्प्लिशमेंट आपने यहां पे शो करनी होती है कि ये मेरा मेन आर्ग्यूमेंट था, ये मेरा मेन थीम था, जिसको मैंने अपने ऐसे में प्रूव कर दिया है। इट प्रोवाइड्स द रीडर विद अ सेंस ऑफ क्लोजर। और इसमें और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में एक इनवर्स कनेक्शन है, एक इनवर्स रिलेशन है, वो आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई तो एक एक कमेंट कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कि समझ आ गई है। कमेंट कर दे प्लीज। आगे समझ ठीक हो गया। आपके कमेंट से मुझे लगता है कि आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग मेरे सामने बैठे हुए क्लास में, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, तो फिर मुझे बात करने में खुशी हो रही होती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको ऐसे का जो, सॉरी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का जो लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग इंट्रोडक्शन में वैसे कोई हिस्से नहीं होते, इंट्रोडक्शन में कोई पार्ट्स नहीं होते, लेकिन आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, ताकि आप लोग इजीली उसको ग्रेस्प कर सकें और इजीली उसको आप डिलीवर कर सकें। अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ को भी आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, अदरवाइज इसमें कोई हिस्से नहीं होते, ये एक ही पैराग्राफ का नाम है। नॉट सपोज टू राइट 3 पैराग्राफ्स,
एक ही पैराग्राफ को तीन हिस्सों में डिवाइड करूंगा ताकि आप जब लिखने लगे तो आप वो हिस्सों को ध्यान में रखें। तो पहला हिस्सा ये है, ये मैं लिख लूँ, फिर दूसरा हिस्सा में ये चीजें आती हैं वो लिखूँ, वो आपको उसका रहे कि जैसे वो पैकेट में चीजें पैक करनी होती है ना, कि ये लेयर्स बंदे को याद रहती हैं, इन लेयर्स में आपने प्रेजेंट करना है उसको। तो ये कहां से आ जाते हैं नमूने दुनिया में, पता नहीं क्या, मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा। अच्छा खैर, तीन हिस्सों में डिवाइड किया है जी। वो तीन हिस्से कौन से हैं? सबसे पहला हिस्सा है, उसका नाम है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? कंक्लूडिंग पैराग्राफ का। अक्सर स्टूडेंट्स कंक्लूडिंग पैराग्राफ इन टर्म्स के साथ शुरू करते हैं, टू कंक्लूड, इन अ नटशेल, टू समराइज, टू सम अप, इस तरह की टर्म्स यूज करते हैं। मेरे ओपिनियन में यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। आपने ऐसा कुछ नहीं करना। मतलब ये ऐसे ही है जैसे समथिंग इज ऑलरेडी ऑब्वियस, मतलब पहले ही पता है आपको, अगर आखिरी पैराग्राफ है तो इट इज सपोज टू बी द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इट इज सपोज टू बी द सम अप और रैप अप या जो भी आप टर्म यूज कर रहे हो। सो डोंट बेलबोर द ऑब्वियस, ठीक है। अब आपने करना क्या है, टॉपिक सेंटेंस इज बेसिकली फ्रेश रीफ्रेजिंग ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। इसे क्या मुराद है? अगर आप लोग वो हारून रशीद जो उर्दू में अखबार में कॉलम लिखता है दुनिया में शायद, अगर उसके आप कॉलम कभी पढ़े ना, तो वो उसका कॉलम किसी एक खास बात से शुरू होता है, एक दो सेंटेंसेस की वो बात करता है, फिर पूरी उस बात को एक्सपेंड करता है और एंड पे अगेन वही दो सेंटेंसेस लिखकर उस पे बात खत्म कर देता है। बेसिकली वो कहना ये चाह रहा होता है कि जैसे हम वो तकरीर करते हैं ना, मेरा आज का उनवान है, आगे हम एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं उस उनवान को, और एंड भी जब हम तकरीर करते हैं सो मेरे इस तमाम मामलात से, इन तमाम बातों से साबित होता है कि आप वो फिर अगेन वो स्टांस रिपीट कर देते हो। दैट इज वट यू आर सपोज टू डू हियर। मुझे कोई एक टॉपिक बताइए, उसकी पहले मैं एक थीसिस स्टेटमेंट बना लेता हूं और फिर उसकी फ्रेश रीफ्रेजिंग करके आपको बताता हूं कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपने वो कैसे करना होता है। एक कोई सा टॉपिक बताइए, उसके ऊपर मैं थीसिस स्टेटमेंट बनाता हूं। और दस दियो टॉपिक। करप्शन कोई टॉपिक नहीं होता। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेस। चलें, ये पहला टॉपिक आया, इसी के ऊपर लिखते हैं। पहले मैं थीसिस स्टेटमेंट बनाने लगा हूं और फिर आगे चलता हूं। किधर गया? बस कर दे, बस कर दे, टॉपिक हो गया। बस कर दें,
मुझे वो इतनी दूर ऊपर जाके दोबारा टॉपिक देखना पड़ता है। ये फर्ज करें हमने थीसी स्टेटमेंट बनाया, अब जल्दी में मिश्रा बंदा इसी तरह का कुछ लिख सकता है। किधर गया ये? मैंने इसको पिन कर दिया, टॉप पे आ जाएगा। एजुकेशन डिफाइंस व्हाट अ नेशन स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट हर फ्यूचर एस्पायरेशंस आर। पाकिस्तान इन ऑर्डर टू बी द टॉर्च बेरर ऑफ करंट ह्यूमन रेस नीड्स टू इन्वेस्ट इन इट्स एजुकेशन सेक्टर एंड प्रायोरिटाइज इट्स अपलिफ्ट। ये मेरा थीसी स्टेटमेंट हो गया जी, कि हमने अगर कुछ अचीव करना है तो हम एजुकेशन पे लगाकर ही अचीव कर सकते हैं। अब इसी की फ्रेश रीफ्रेजिंग करते हैं कि वो क्या होती है। ये मैं अब नया एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपके पास आ गया। फ्यूचर ऑफ अ नेशन इज डिफाइंड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इट हैज अचीव्ड। इफ पाकिस्तान प्लान्स टू लीड द ग्लोबल कम्युनिटी और प्ले इट्स पार्ट इन ह्यूमन एवोल्यूशन इट हैज टू मेक एजुकेशन इट्स अटमोस्ट प्रायोरिटी। बात वही मैंने की है, लेकिन कहने का अंदाज और अल्फाज चेंज कर दिए हैं। इसको बोलते हैं, एक तो मैंने पहले थीसी स्टेटमेंट लिखी थी और अब उसकी फ्रेश रीफ्रेजिंग कर दी। फ्रेश रीफ्रेजिंग में क्या होगा, बात वही होगी, अल्फाज और कहने का अंदाज बदल जाएगा, ताकि आप एक रिलेशन कायम कर सको कि ये आर्गुमेंट मैं लेकर चला था और अब इसी आर्गुमेंट को मैं बॉडी ऑफ द एसे में प्रूव कर चुका हूं। इसको बोलते हैं फ्रेश रीफ्रेजिंग ऑफ थीसी स्टेटमेंट, एंड दिस इज द थिंग जिससे आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ शुरू होना चाहिए। ये आपका पहला पार्ट है थीसिस स्टेटमेंट का, फ्रेश रीफ्रेजिंग, सॉरी पहला पार्ट है आपके कंक्लूडिंग पैराग्राफ का, जिसको टॉपिक सेंटेंस का नाम दिया फ्रेश रीफ्रेजिंग ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। इसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। टीना बच्चे एंड पे क्वेश्चन करने हैं आपने, क्वेश्चंस यहां पे नहीं करने, अपने पास लिख लीजिए कॉपी पेंसिल के साथ, पूछने आखिर में है। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकेंड पार्ट में यू हैव टू गिव, अल्लाह आपका भला करे, सिंथेसाइज करना है। यू हैव टू एक्यूमुलेटिवली प्रेजेंट व्हाट यू ऑलरेडी हैव सेड इन द बॉडी ऑफ द एसे। जो मेजर आर्गुमेंट्स आपने बॉडी ऑफ द एसे में प्रेजेंट कर दिए हुए हैं, पहले ही आप लिख चुके हैं, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर चुके हैं,
उन आर्गुमेंट्स का निचोड़ निकालना है, उन आर्गुमेंट्स को सिंथेसाइज करना है और लिंक करना है इस थीसिस स्टेटमेंट के साथ कि ये स्टांस इन आर्गुमेंट से प्रूव हो गया है। मतलब सिंथेसाइज करने से क्या मुराद है, ये आपके पास कपड़ा है ना, ठीक है, ये एक तरीकाकार ये कपड़ा प्रेजेंट करना, कपड़ा आप अगले को बताना कि ये क्या है। दूसरा तरीकाकार क्या है कि इसको ऐसे करके निचोड़ना, इसमें आप कपड़ा नहीं दिखा रहे, कपड़े के अंदर क्या है उसका निचोड़ आप दे रहे हो यूनिफाइड फॉर्म में। एग्जैक्टली, आपने जो आर्गुमेंट्स पहले प्रेजेंट किए थे उनको यहां पे नरेट करके उस जो फ्रेश रीफ्रेजिंग जो पहला सेंटेंस है उसके साथ रिलेट कर देना है, बताना ये है कि इन आर्गुमेंट्स के थ्रू मैंने ये वाला स्टांस पूरा किया था। दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। और थर्ड पार्ट क्या है, जेनेरिक एंडिंग। जेनेरिक एंडिंग से क्या मुराद है कि आपने एक जर्नल सेंटेंस के ऊपर जिसमें सुजेस्टिव नहीं वो हो सकता, उसमें आप कोई नई चीज ऐड नहीं करेंगे, कुछ नया सुजेस्ट नहीं करेंगे, जेनेरिकली उस टॉपिक को इख्तिताम पजीर कर देंगे कोई सा एक सेंटेंस लिखकर। अगर कोई टॉपिक इस तरह का है जो पैसिमिस्टिक काइंड ऑफ टॉपिक है जिसमें नेगेटिविटीज बहुत ज्यादा आपने डिस्कस की हैं, तो उसमें तरीकाकार ये होता है कि आप किसी पॉजिटिविटी के ऊपर एंड कर दें, किसी होप के ऊपर आप अपने टॉपिक को एंड कर दें। ये तीन पार्ट्स हैं आपके कंक्लूडिंग पैराग्राफ के, तीनों की समझ आ गई तो एक एक मैसेज कर दीजिए प्लीज। एक एक मैसेज कह रहा हूं, एक एक कमेंट कर दीजिए प्लीज। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब जो आपने सेंस ऑफ क्लोजर प्रोवाइड करना है, मतलब ओवरऑल आपका जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है ये कोई भी नई चीज डिस्कस नहीं करेगा, कोई भी नया आर्गुमेंट डिस्कस नहीं करेगा, कोई सब पॉइंट्स, कोई रेफरेंसेस इसके अंदर नहीं होंगे, कोई फिगर्स इसके अंदर नहीं होंगे। आपने सेंस ऑफ क्लोजर प्रोवाइड करने के लिए जो जो रूल्स अपनाने हैं वो कुछ इस तरह का है। आपने सिंपली जो पहला पार्ट है थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट नहीं कर देना, आपने उसको इस तरह प्रेजेंट करना है कि लगे तो ये कि ये बात हमने कहीं पहले देखी थी, लेकिन ये ना लगे कि वो बहुत आइडेंटिकल या बहुत सिमिलर है उसके साथ जो आप पहले ही बात कर चुके हैं। फिर सिंथेसाइज करने से मुराद ये होता है कि आपने सिंपली उन आर्गुमेंट्स को स्टेट नहीं करना होता, आपने सिंपली वही बातें रिपीट नहीं करनी होती, बल्कि आपने तीन चार आर्गुमेंट्स बताने होते हैं कि ये आर्गुमेंट्स प्रूव करते हैं मेरे थीसिस स्टेटमेंट को। अब मैंने एक शुरू में बात की थी कि देर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ, और वो इनवर्स रिलेशन क्या है कि आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जनरली स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक एंड होता है। मतलब आप डायरेक्टली टॉपिक को जेनेरिक फॉर्म में हिट करते हैं और स्पेसिफाई होकर इस फनल शेप में आपने ऊपर से शुरू किया और एंड पे आके स्क्वीज कर दिया उसको, बिल्कुल एक खास स्टांस बता दिया कि मैं सिर्फ इतने डोमेन तक अपने आप को महदूद करूंगा। ये आपका शेप होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का। कंक्लूडिंग पैराग्राफ कैसे होता है कि आपने ये जो चीज शुरू की एंड की थी जहां पे उसी से आप शुरू कर रहे हो, ये बिल्कुल उसके उल्ट हो जाएगा कि इसका स्टार्ट स्पेसिफिक हो जाएगा, वेरी प्रिसाइज होगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये जेनेरिक फॉर्म में चला जाएगा और आप उसको एंड जनरलाइज कर देंगे। इंट्रोडक्शन स्टार्ट्स जनरली एंड एंड स्पेसिफिकली, वाइल कंक्लूडिंग पैराग्राफ स्टार्ट्स स्पेसिफिकली एंड एंड्स जनरली। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। अब कुछ जनरल डोंट्स ऑफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ हैं जो आपने नहीं काम करने। एक तो मैं पहले बता चुका हूं, इन अ नटशेल टू समराइज टू सम अप, इस तरह की टर्म्स आपने यूटिलाइज नहीं करनी, ठीक है, आप रीडर को बेसिकली इरिटेट करेंगे। दूसरे नंबर पे फर्ज करें आपने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, या फर्ज करें टॉपिक बहुत जेनेरिक ओपन एंडेड था जिसके ऊपर आपने समझा कि कोई थीसिस स्टेटमेंट नहीं बनती, तो फिर आपने
ये नहीं करना कि यहां पे आके थीसिस स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दें कि सर ने कहा था जी कि वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ फ्रेश रीफ्रेजिंग ऑफ थीसिस स्टेटमेंट से शुरू होगा, ऐसा आपने फिर हरकत नहीं करनी। फिर आपने जिस तरह जेनेरिक एंड कर दिया इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ विदाउट अ थीसिस स्टेटमेंट, उसी तरह आप इसको भी स्टार्ट करेंगे विदाउट रीफ्रेजिंग ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। कोई भी नया आइडिया, सब टॉपिक, सब पॉइंट या ऐसी इंफॉर्मेशन आपने यहां पे शेयर नहीं करनी विच वॉज सपोज टू बी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द एसे। फिगर्स नहीं, न्यूमेरिकल डेटा नहीं, फैक्ट्स नहीं, जो कि बॉडी ऑफ द एसे में होने चाहिए थे, वहीं पे शेयर कीजिए। यहां पे आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ उनका निचोड़ निकलेगा, आर्ग्यूमेंट्स यहां पे नहीं होंगे। कोई सेंटिमेंटल या इमोशनल अपील्स आपने नहीं करनी पेपर चेकर के साथ, सर आखिरी अटेम्प्ट है, खुदा दा वास्ता है पास कर दो, मैं मर जाऊंगा अगर पास ना होया, इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी। कोई एविडेंस कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपने इंक्लूड नहीं करना। इवन कोशिश कीजिए कि आप वो जो होती है ना कोटेशंस, उनको भी अवॉइड करें। वो बॉडी ऑफ द एसे में सारे एविडेंसेस और सारी इस तरह की बातें करें, इसमें जो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ है इसमें आपने वो चीजें डिस्कस नहीं करनी। ये था आज का लेक्चर। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जेनेरिक एंडिंग अगेन बता दें। जर्नल फॉर्म में आप अभी आप लिखेंगे तो फिर ही मैं उसके ऊपर आपको गाइड कर सकता हूं कि वो कैसे लिखना है आपने। मतलब मैंने किसी चीज का आउटलाइन बनाई हुई हो तो फिर ही मैं बता सकता हूं कि उस पे आपने उस आउटलाइन की थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी, फिर उस आउटलाइन के मेन आर्ग्यूमेंट्स को आपने सिंथेसाइज कैसे करना है और फिर उसको जेनेरिकली एंड कैसे करना है। एनी क्वेश्चंस? ऊपर एक लड़की थी, टीना। हाँ टीना प्रकाश, आपका क्वेश्चन था कोई, आप अभी पूछ सकती हैं। मंजूर आरम, मेरे लेक्चर सारे इधर ही पड़े हुए हैं, जो हमारा ये पेज है ना इसी के ऊपर पड़े हुए हैं। कंक्लूजन में कोई रिकमेंडेशंस नहीं होंगी। टॉपिक सेंटेंस इज बेसिकली नई अंदाज में थीसिस स्टेटमेंट को लिखने का नाम टॉपिक सेंटेंस है। दैट इज फर्स्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ, उसको नए अल्फाज के साथ लिखने का नाम। कंट्रोलिंग आइडिया एंड सेंटेंस सर प्लीज। कंट्रोलिंग आइडिया क्या होता है? कंक्लूजन के एंड पे कोटेशन डालने का नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं होता। मतलब कोटेशन इज काइंड ऑफ एंडोर्समेंट और काइंड ऑफ किसी आर्गुमेंट की, किसी दलील की जो है ना सपोर्ट में आप कोटेशन देते हो, ठीक है। अब चूंकि आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में कोई दलीलें नहीं देनी होती, ऑलरेडी जो दलीलें आप दे चुके होते हैं उन्हीं को आपने जस्ट सम अप करना होता है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल वहां पे कोटेशन डालने का कोई तुक बनता है। लेकिन अगर वो मेन टॉपिक को, बात ही भूल गया, बात क्या कर रहा था। यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आ जाए मैदान में।
और कोई क्वेश्चन नहीं है, कितने अच्छे हैं। या तो मैं पढ़ाता हूँ बड़ा अच्छा हूँ, या फिर आप लोग लायक बड़े हैं, या फिर ना मैं अच्छा पढ़ाता हूँ ना आप लायक हैं, कुछ समझ नहीं आती और सब सर से गुजर जाता है। आपके लेक्चर कहीं अवेलेबल हैं? इसी पेज के ऊपर अवेलेबल हैं मंजूर, आप अगर पीछे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। ये आज आखिरी लेक्चर था ऐसे का, पिछले 2-3 वीक्स के आप पोस्ट्स देखें तो आपको वो तरतीब में मिल जाएंगे। चलें जी, अपना ध्यान रखें, खुशबाश रहें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह करंट अफेयर्स की क्लास में। अल्लाह हाफिज़। 7:30 बजे क्लास होगी।